So today we will see about how to use Weka for our data analysis. Or for that purpose, we will see what file format Weka accepts, and we will run a sample example machine learning algorithm on a particular data set as well. So in order to do that, I will just share my screen so that you can see. So, yeah. So there is a file format which is called .rar. Which is called an attribute relation file. So R file जो होती है attribute relation file format, ये एक ऐसी file format होती है जिसमें आपके पास attribute relation और उसका नाम वो ये तीन elements important होते हैं उसके data sorry. So, इसमें तीन इसके एलिमेंट्स हैं इम्पोर्टेंट ठीक है बेसिकली दो सेक्शन है एक हेडर है और दूसरा डेटा है हेडर पोर्शन में आपके पास रिलेशन और एट्रीब्यूट के नाम होते हैं एट्रीब्यूट्स होते हैं और डेटा में आपका डेटा होता है सो जस्ट लाइक इधर एग्जांपल दी हुई है कि एट रिलेशन मतलब आपका इसका फाइल का इस रिलेशन का नाम क्या है और एट्रीब्यूट्स मतलब पहला एट्रीब्यूट जो भी इसमें आएगा वो सेपल लेंथ है और उसकी डेटा टाइप न्यूमेरिक है इससे दूसरा एट्रीब्यूट सेपल विड्थ है और उसकी डेटा टाइप न्यूमेरिक है एंड सो ऑन इससे पहले चार एट्रीब्यूट आप देख रहे हैं दे आर ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप और ये शो कर रहा है कि ये एट्रीब्यूट है और ये इनके नाम है द फिफ्थ एट्रीब्यूट इज क्लास आप उसे कैटेगरी भी कह सकते हैं क्लास भी कह सकते हैं हम इधर डिफाइन कर लेते हैं कितनी क्लासेस हमारे पास मौजूद है हमारे पास यहाँ पे स्टेटस सेट में आईरिस स्टेटस सेट में तीन क्लास मौजूद है जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है सो दैट्स हाउ इट वर्क्स सो हम एट्रीब्यूट में दो किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं सारे फीचर्स एट्रीब्यूट या फीचर्स आप एक ही चीज़ है और दूसरा आपकी क्लास और नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है तो आप नंबर मेंशन करते हैं क्लासेस के नाम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे सो जब और फिर आपका डाटा का टैब आता है और एड डाटा से वो स्टार्ट होता है यहाँ पे आप वैल्यूज देख रहे हैं 5.1, 3.5, 1.5, 4, 0.02 सो अगर आप इन सारे को देखें तो ये चार वैल्यूज हैं और ये चार वैल्यूज ये चार एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और फिफ्थ वन इज द क्लास ऑफ दिस यू कैन से ऑब्जर्वेशन या इंस्टेंस इस पर्टिकुलर इंस्टेंस की डिस्क्रिप्शन यानी कि ये ऊपर दी गई है तो अब जस्ट हम एक दफा हमने ये मेंशन कर दिया तो अब हम जस्ट डेटा इधर आ रहा है नीचे और इन दिस वे योर डेटा सेट इज हैज बीन फॉर्मेटेड सो हम देखते हैं कि किस तरह से किसी डेटा को हम और आर फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं देयर आर टू वेज के एक तो आपके पास डेटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सी एस वी फॉर्मेट आपके पास मौजूद हो आप उसको बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इन टू आर फाइल बाय यूजिंग बैकअप दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका आप मैनुअल कर सकते हैं आप उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं बाय राइटिंग सबस्क्रिप्ट अगर आपका डाटा सेट बहुत बड़ा है उसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा है तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप कोई ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट लिखें जिसमें आप सी एस वी फाइल को या टेक्स्ट फाइल को आर फाइल में कन्वर्ट कर सकें सो अब हम चलते हैं यू सी आई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी में जो हमने लास्ट टाइम देखा था यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे हम बहुत सारे डेटा सेट्स मौजूद हैं मैं यहाँ पे आई एस के डेटा सेट की हमने बात की थी आईएस के डेटा सेट में अगर बात की जाए तो डेटा सेट डिस्क्रिप्शन है डेटा सेट फोल्डर है डेटा सेट फोल्डर में बात की जाए तो ये डिफरेंट फाइल्स हैं आईएस डेटा आईएस के उसके नेम्स या डिस्क्रिप्शन तो मैंने ये डाउनलोड की करके रखी हुई है आईएस डेटा को आईएस डॉट डेटा को
अगर हम बात करें आरएस, तो बेसिकली आरएस डॉट डेटा को मैं एक दफा डाउनलोड कर लेता हूँ दोबारा। सो ये फाइल डाउनलोड हो गई, इसे अगर मैं ओपन करूँ, सो बेसिकली ये क्योंकि डॉट डेटा फॉर्मेट है, इस वजह से ये मुझसे कौन सी आपको एप्लीकेशन चाहिए। लेकिन अभी मैं इसको स्किप करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ आरएस डॉट डेटा के नाम से मेरी ये फाइल मौजूद है, इसको मैं रीनेम करता हूँ फॉर एग्जाम्पल फॉर टाइम बीइंग। सर जी सर, स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें, सॉरी स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें, वेट कर रहे हैं स्टूडेंट। अच्छा एक एक ही आता है, ओके। सो आरएस डॉट डेटा की बात हो रही थी, आरएस डॉट डेटा मैंने वहां से एक फाइल डाउनलोड की। अब इसके डॉट डेटा जो फॉर्मेट बहुत सारे जो टेक्स्ट एडिटर्स नहीं पहचानते, तो इट्स बेटर कि आप इसकी फाइल जो फॉर्मेट है उसको रीनेम कर लें। तो फॉर एग्जांपल मैं आरएस डॉट सीएसवी यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यूज सीएसवी, तो ये मेरे पास आरएस डॉट सीएसवी आ गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, फॉर एग्जांपल मैं ये एक्सेल, ये छोटी फाइल है तो एक्सेल में भी ओपन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इट इज इट लुक्स लाइक, और ये ओपन हो गई है, ये मेरे पास डेटा सेट यहाँ पे ऐसे आ गया। अगर आप इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में करना चाहते हैं ओपन, तो उसमें भी टेक्स्ट एडिट में मैं करूँगा, तो आपके पास जैसा नोट पैड होता है विंडोज में, तो इट हैज बीन ओपन। आप देख सकते हैं इट इज जस्ट डेटा, इसमें डेटा पहले ही एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मौजूद है, हमने इसको आर फाइल में कन्वर्ट करना है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इसके दो वेज हैं, एक वे है कि सीएसवी को डायरेक्टली आप उधर ले जाएं बैकअप में और बैकअप में कन्वर्ट करें, इस वे को हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन अभी हम दूसरा वे इख्तियार करते हैं। दूसरे वे में क्या है कि हमने देखा था इसके तीन जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, एट रिलेशन, एट रिलेशन, मैं इसका नाम आरएस रख देता हूं, एट जितने एट्रीब्यूट हैं आपके। अब एट्रीब्यूट इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें F1 फिलहाल रखता हूँ, फीचर 1, और इसकी टाइप न्यूमेरिक है, इसका ही फीचर 2 है, फीचर 3 है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो दिस इज फीचर 2, क्योंकि मैं डेटा सेट के बारे में पता था कि इसके चार फीचर्स हैं और एक क्लास है, जो चार फीचर्स आ गए और यहाँ पे आएगी एट्रीब्यूट क्लास, और क्लास में हमने मेंशन करना है कौन सी क्लास है। सो बेसिकली वी विल डू दिस आरएस, सॉरी मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सो दैट मुझे अगेन टाइप ना करना पड़े। सो आरएस सिटोसा है, और इसके अलावा ये भी आपके पास मौजूद है। सो ये क्लास हो गई, और लास्ट में हमारा हो गया एट द रेट ऑफ डेटा, ठीक है। ये हमने इसको ये सेकंड लिया, इसको मैं सेव करता हूं, सेव कर लिया। अब चूंकि ये आर एफ फॉर्म में आ गया, तो मैं इसको आर एफ की एक्सटेंशन दे देता हूँ, सेव है, आप सेव एज कर सकते हैं, मेरे पास सेव एज का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। सो आर एस, क्योंकि आर एस डॉट आर्क पहले पढ़ा है, आर एस न्यू डॉट आर्क के नाम से मैंने इसे सेव कर लिया। सो ये मेरे पास डाटा सेट आ गया जो मैंने अभी प्रिपेयर किया है। अब मैं ओपन करता हूं बैकअप, आई होप आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा।
सो वैका जब हम ओपन करते तो हमारे सामने ऐसा आता है, इसमें मैं एक्सप्लोरर में जाऊंगा, वैका एक्सप्लोरर, और ओपन करूंगा फाइल, मेरे डाउनलोड्स में पड़ी हुई है. सो वेयर इज माय फाइल, सॉरी आरएस न्यू के नाम से ओपन किया, ये मेरे पास आ गया. अब आप देखेंगे यहाँ पे फीचर वन, फीचर टू, फीचर थ्री, फोर आया है, और इसका इसको विजुलाइज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्लास के मुताबिक करूँगा. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप कोई भी फाइल आर फाइल अपलोड करते हैं तो यहाँ पे उस रिलेशन का नाम आ रहा है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेज यानी ऑब्जर्वेशन 150 है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 5 है, और वो सम ऑफ वेयर्स है. सो ये अभी इतना रेलिवेंट नहीं है. फिर आपके पास तीन क्लासेस मौजूद हैं तो हर में कितने कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 50-50, ठीक है, 50-50 एट्रीब्यूट्स हर में मौजूद हैं. यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन में भी पता लग रहा है, लेकिन तमाम सभी डेटा सेट्स एक जैसे नहीं हुआ करते. सो जी सर, वो स्टूडेंट है उसको अलाउ करते हैं, कर दिया हुआ है, क्योंकि मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ तो मैं कुछ देर बाद चेक करता हूँ, तो जो होता है मैं उसे अलाउ करता जा रहा हूँ. So anyways, just focus on the lecture right now. Okay, जो so 50-50-50 यानी कि तीन आपको distribution नजर आ रही है, total 150 है, और उसमें से equally distributed हैं तीनों classes. Got it? So that's how it looks like. अब ये हमने data को upload कर लिया R file format में जब थी हमारे पास, लेकिन इसको करने का एक और तरीका भी है. वो तरीका क्या है, लेट्स सी, उसको एक्सप्लोर करते हैं. इस बार मैं कोई और डेटा सेट डाउनलोड करता हूं. सो मैं यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी में जा रहा हूं. और यहां पे सर्च करते हैं, लेट्स सी ब्रेस्ट कैंसर को. और यहाँ पे ये आ रहा है ब्रेस्ट कैंसर. एनीवेज, सो ये डेटा सेट है, इसमें आपके पास 286 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 9 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, और इसमें इसकी तमाम चीजें दी हुई हैं. इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आपके दिए होते हैं, तो आप इसमें दे सकते हैं कौन सा न्यूमेरिकल है और कौन सा दूसरा है, नॉमिनल है. सो बेसिकली अभी मैं इसकी बजाय कोई और देखता हूँ कि जो जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो. लेट्स सी इसमें कितने हैं. सो इसमें डेफिनेटली बात है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ज्यादा हैं और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स भी ज्यादा हैं, और उसके अलावा यस इसमें मिसिंग वैल्यूज भी नहीं है, एंड सो ऑन. सो या इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है कि आईडी है, डायग्नोस्टिक है, मैलिग्नेंट है या ब्लाइंड है, यानी कि ये इसकी कैटेगरी है, और उसके अलावा उसके फीचर्स हैं 3 से 32, यानी कि टोटल 32 फीचर्स हैं, जिसमें पहले दो, एक तो आईडी है, दूसरा डायग्नोस्टिक्स है, और फिर 3 से लेकर 32 यानी 30 फीचर्स बनते हैं जो कि उसके डिफरेंट फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो हम इसको देखते हैं अगर, तो लेट्स सी वी डाउनलोड दिस डाटा. ये मैंने डाउनलोड कर लिया, इसके नेम्स एक्चुअली उसके वेबसाइट पे दिए हुए हैं, अगर आप क्योंकि फीचर के नाम की आपकी जरूरत वैसे नहीं है. सो मैं इसको डाउनलोड कर लिया, WDBC, ये डाटा मेरे पास डाउनलोड हो गया. इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ जस्ट टू मेक इट ईजी, ठीक है, क्योंकि WDBC न्यू के नाम से .csv फाइल फॉर्मेट मैंने इसको कर लिया. अच्छा, ये मैंने कर लिया, इसको मैं ओपन करता हूँ टेक्स्ट एडिट में, बिकॉज इट्स इजी टू डू दिस वे आई थिंक. ओके, ये सारे इसके फीचर्स हैं. अभी हमने इसको CSV फॉर्मेट में ही रहने देना है. करना सिर्फ ये है कि फर्स्ट लाइन पे हमने इसकी, जैसा आप टेबल बनाते तो हेडिंग बनाते हैं ताकि हम फीचर्स को डिफाइन करना है, तो वो हम करते हैं. इसके लिए आप सिंपल ये कर सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट एडिटर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें, फाइल ओपन करें. सो पहला हमारा था आईडी,
क्लास एंड सो ऑन। अगर नहीं भी करते सो इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेट्स सी, मैं आपको इस तरह भी करके दिखाता हूँ। सो ये हमारा CSV फाइल फॉर्मेट में था और इसको मैं बैकअप में अपलोड करता हूँ। ओपन की फाइल, ये .rf फाइल अभी ये सिर्फ डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ CSV करे, CSV फाइल। और मैंने अपनी फाइल जो है WPC न्यू ये मैंने ओपन की। सो यू कैन सी कि मेरे पास ये तमाम फीचर्स आ गए। अब मैं इसकी एडिट में जाता हूँ तो मेरे पास ये नई विंडो एक ओपन हो जाएगी, क्योंकि पहला मेरा ID है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस ID को डिलीट कर देता हूँ। बस saying delete attribute, ठीक है। तो वो कहेगा, पूछेगा यस, तो मैं कहूंगा हाँ ये कर दे। दूसरे एट्रीब्यूट को आई वुड से मेक इट एज अ क्लास, बट लेकिन इसने फर्स्ट रो को एज अ वो ले लिया है। अच्छा, इस तरह करने में डायरेक्ट जो अपलोड करने में एक प्रॉब्लम आती है वो ये कि आपके पास जो फर्स्ट रो होती है वो उसको उसका एट्रीब्यूट हेडिंग नेम समझ लेता है, कंसीडर कर लेता है। सो हम इसको कैंसिल करेंगे और वी विल गो टूवर्ड्स अवर सॉरी सो वेयर वाज दैट यस ये बाद में मौजूद था। मैं इसको ओपन करता हूँ किसी भी टेक्स्ट से, और पहला मुझे पता है कि मेरे पास है ID, दूसरा है क्लास, मैं उसे कहता हूँ क्योंकि वो डायग्नोसिस है मैलिग्नेंट या बिनाइन। फिर आगे फीचर्स हैं, फीचर्स कैसे डिफाइन है वो मैं इसको बाद में आपको बताता हूँ। F1 अभी मैं लिख रहा हूँ, F2, F3, F4, F5, F6, सो क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ फीचर्स कम थे इसलिए मैंने इसको मैन्युअली कर लिया, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस में आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप यू शुड हैव सम ऑटोमेटेड प्रोसीजर जिसके थ्रू आप ये कर सकें। सो ये टोटल 32 फीचर्स हो गए, 30 ये हो गए और दो पहले वाले। तो मैं इसको जस्ट कॉपी करता हूँ और अपनी CSV फाइल के स्टार्ट में पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, इसको मैं टेक्स्ट फाइल में ओपन करता हूँ ताकि इट बिकम्स मोर एलिगेंट। सो ये मैंने पेस्ट कर दिया, अब इसको सेव कर दिया मैंने। नाउ वी अपलोड दिस फाइल अगेन, क्योंकि बैकअप में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ID और ये वो सब आ गए हैं। अब इसको मैं एडिट में मोड में लेके जाता हूँ। एडिट मोड में जब मैं जाऊँगा तो मैं मुझे ID नहीं चाहिए, सो मैं डिलीट कर दूंगा एट्रीब्यूट यस। और इसको मैं अपना क्लास रखना चाहता हूँ क्योंकि क्लास बैकअप में सबसे आखिर में हुआ करती, तो मैं इसे कहूँगा सेट एट्रीब्यूट एज अ क्लास, एट्रीब्यूट एज अ क्लास। तो आप देखेंगे ये सबसे लास्ट पे चली गई है। सो इसको ओके करूंगा, सो यू कैन सी नाउ माई क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इज हेयर। मैं इसको ये करूंगा, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये कि मेरा रिलेशनशिप का नाम, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 569, उसके अलावा एट्रीब्यूट या फीचर्स 31 है। अब आप दोनों जो लेबल्स हैं मैलिग्नेंट एंड बेनाइन, ठीक है, दोनों जो कैंसर टाइप्स हैं उनकी आप नंबर ऑफ काउंट्स देख सकते हैं, एक 212 है, दूसरी
357 है, तो इसका मतलब है there is a misbalance between the two classes. Anyways, so हम इसको सेव करते हैं क्योंकि ये CSV फाइल में है, इसको सेव करते हैं as RF फाइल, या आपके पास डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, आपने जस्ट CSV हटा दें और RF ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो सेव करेंगे तो इट हैज बीन सेव देयर. मैं आपको शो करवाता हूँ wbc.new.rf के नाम से यहाँ पे हो गई है, और इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ आपको, सो यू कैन सी कि ऑलरेडी उसने इसको आपके सब चीजों को RF फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया CSV से. सो अब मैं RF फाइल को अपलोड करता हूँ बेसिकली. सो दिस इज माई फाइल और ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी. अब आते हैं कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे. फॉर एग्जाम्पल मैं डिसीजन ट्री एल्गोरिथम इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ. तो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम हमारा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्लासेस मौजूद हैं, तो मैं क्लासिफिकेशन में जाऊँगा. यहाँ पे ऊपर टैब है क्लासीफाई का, यहाँ से आपने क्लासीफायर यूज करना है. ठीक है, तो चूज करेंगे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम जो है वो ट्रीज के अंदर होगा J48 के नाम से. अगेन मैं कहता हूँ ट्रीज J48 डिसीजन ट्री. अगर आप इस पे बार पे क्लिक करें तो आप इसके पैरामीटर्स को भी देख सकते हैं और सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको भी बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ. यहाँ पे टेस्ट ऑप्शंस मौजूद हैं, क्रॉस 10-4 वैलिडेशन है, सो ऑन 10-4 क्रॉस वैलिडेशन. अभी आपको शायद नहीं पता होगा, मैं सिर्फ परसेंटेज स्प्लिट पे जाता हूँ. मतलब ये कि 66% ट्रेनिंग में और 35% टेस्टिंग में लगाया, या सो मैं या इसको 60 कर लेता हूँ, 60% ट्रेनिंग पे और 70% टेस्टिंग में, और इसको जस्ट स्टार्ट करूँगा. तो यू कैन सी कि मुझे मेरा रिजल्ट मिल गया है. यहाँ पे मुझे मेरा ट्री, ये ट्री है इन द टेक्सचुअल फॉर्मेट, और नंबर ऑफ लीव्स हैं, साइज ऑफ ट्री है. सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे होती है कि आपकी एक्यूरेसी या करेक्टली क्लासीफाइड इंस्टेंस कितने हैं. आप देख सकते हैं आपके पास करेक्टली क्लासीफाइड जो इंस्टेंसेस हैं वो 93.42 हैं, विच इज़ वेरी गुड. लेकिन लेट्स सी, और इनकरेक्टली जो है 6.57 है, एंड सो ऑन. ये बाकी रेट हैं, इसको भी हम स्किप करते हैं. सो लेट मी जस्ट चेंज द परसेंटेज स्प्लिट. अभी आपके पास 93.4 थी, अगर मैं इसको 80% करता हूँ, यानी 80% ट्रेनिंग के लिए यूज होगा और टेस्टिंग के लिए 20%. इसका मतलब है कि 80% जो आपका टाइम है, 80% जो डाटा है वो उसको स्प्लिट करके आपकी मॉडल बिल्डिंग के लिए करेगा और 20% टेस्टिंग के लिए या उसकी प्रेडिक्शन के लिए. सो लेट्स स्टार्ट अगेन. सो आप देखें मेरे पहले वाला भी मौजूद है और ये सेकंड वाला है, और मेरी एक्यूरेसी जंप कितनी हो गई है. पहले थी 93.42, अब हो गई है 89.47. इट डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप और डेटा सेट एक्चुअली कि हाउ इट बिहेव्स. लेट्स सी, अगर इसको हम 70% करते हैं तो आप देखें उसकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, और अगर मैं इसको 50% कर दूं, सो 94 मजीद थोड़ी सी बढ़ गई. सो एनीवेज, इसका यहाँ पे आपके पास सारे रिजल्ट्स मौजूद हैं. आप इन पे फॉर एग्जांपल कोई रिजल्ट सेव करना चाहते हैं मॉडल को, आप सेव मॉडल करेंगे, वो आपको फाइल का नाम देके आप सेव कर लें. अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इसे इन सारों को डिलीट कर देता हूँ एक्स्ट्रा को, सो दैट देयर इज नो फस. सो डिलीट रिजल्ट बफर एंड अच्छा, डिसीजन ट्री की जैसे मैंने बात की कि डिसीजन ट्री है आपके पास, ये प्रूनड डिसीजन ट्री मौजूद है. ये आपके पास जो चीज़ होती है डिसीजन ट्री, ये मॉडल इटसेल्फ और जो है आपकी एक्यूरेसी. सो बेसिकली लेट्स सी, मैं इसको विजुलाइज करना चाहता हूँ, तो विजुलाइज ट्री में आप जाएंगे तो आपके पास ये देखें एक अलग से विंडो इसके ऊपर ओपन हो गई है वैका में, जिसमें आपका ट्री आप देख सकते हैं कि ये आपका ट्री बना है. अब इनका क्या मतलब है, ये इसकी इंटरप्रिटेबिलिटी में मैं अभी नहीं जा रहा. ठीक है, ये एक अलग से एक टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं ये.
सो जस्ट आपको बताया है कि आपने सक्सेसफुली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई कर लिया है अपने डेटा सेट को डाउनलोड करके, उसको प्रोसेस कर, उसको प्री प्रोसेस करके, और उसको आपने उस पर आपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया. सो दैट्स योर फर्स्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इन एप्लीकेशन इन दैट वे. आप देखें इसमें नॉर्मली आई वुड रिकमेंड ये सब प्रोसेस जो है क्योंकि इसकी APIs मौजूद हैं, लाइब्रेरीज मौजूद हैं, तो आप आई वुड रिकमेंड कि प्री प्रोसेसिंग के लिए हमेशा हमेशा अपना स्क्रिप्ट लिखें. सो बहुत सारी हेल्प मौजूद हैं ऑनलाइन, तो उसे आप कर सकते हैं. सो दिस वॉज अबाउट वेका. अगर किसी को यहाँ पे कोई सवाल है तो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क. जी कोई सवाल? अच्छा अगर सवाल नहीं है तो आई विल लीव यू गाइस. अच्छा यहाँ पे मैंने मैन्युअली क्योंकि फीचर्स ऐड किए थे क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ फीचर्स बहुत कम थे, लेकिन माइक्रो रे के डेटा सेट्स में अमूमन नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, 20,000 से लेकर 50,000 तक होते हैं. सो उस केस में आप ये मैन्युअली काम नहीं कर सकते कि आप नंबर ऑफ फीचर्स ऐड करें. सो इट्स बेटर कि आप क्या करें, आप नंबर ऑफ फीचर्स के ऐड करने के लिए एक लाइन ऑफ कोड लिखें, चाहे पाइथन में लिख लें, और उसमें अगर आपने फाइल CSV फॉर्मेट में सेव की हुई है तो उसको उसकी पहली लाइन में आप जस्ट नंबर ऑफ फीचर्स F1 से लेकर F5000 50,000 तक जस्ट आपने इंसर्ट करना है वन लाइन. सो दैट इफ यू कैन डू दैट, सो आपका डेटा सेट आपके लिए पास प्रिपेयर्ड होगा और आप उसको कर सकते हैं. अच्छा इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह कि देखें वेका आपको थोड़ी सी डेटा विजुअलाइजेशन भी दे रहा है, इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल एल्गोरिथम J48 बेसिकली अच्छा करके दिखाया. यहाँ पे आप किसी भी एल्गोरिथम के ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको ये उसकी डिस्क्रिप्शन शो करवाएगा कि क्लास फॉर जनरेटिंग अ प्रून और सी अनप्रून C4, ठीक है, और उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन होगी कि क्या चीज़ है, और इसकी आप पेपर की अमूमन वो दिया होता है, रॉस क्विनलन ने ये बेसिकली प्रपोज किया था, C45 C4.5 बेसिकली इट वाज डिसीजन ट्री. आप देख सकते हैं इसकी सेकंड लाइन में लिखा हुआ है डिसीजन ट्री. सो इंफॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं. बेसिकली इन्होंने डिफरेंट जो पेपर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम्स, और आपके पास ऑलरेडी कंपाइल्ड या बिल्ट इन एल्गोरिथम मौजूद है. बेसिकली वेका जो है जावा बेस्ड है, तो इसकी API जावा में मौजूद है. पाइथन में मैंने एक्सप्लोर नहीं की, पाइथन में साइकिट लर्न के नाम से अलग से एक लाइब्रेरी भी मौजूद है जो कि आपको जनरेट करके देती है मशीन लर्निंग मॉडल्स. सो जब आप मॉडलिंग की बात करते हैं तो बेसिकली दिस इज योर मॉडल, जो 50% डाटा उसने यूज़ किया है ट्रेनिंग के लिए यानी मॉडल बिल्डिंग के लिए, वो ये मॉडल था, और बाद में इसी मॉडल को बाकी 50% ऑफ डाटा को प्रिडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया, और उसकी ये एक्यूरेसी है 94%. So that's how it works. ठीक है. So yeah, मैं क्या मैं आज इतना ही रखते हैं. आप लोग डेटा सेट डाउनलोड करके उसको फॉर्मेट करके और उसको वेका में रन करके जरूर देखें. आई वुड लाइक टू सी कि आप लोग किस किस्म के प्रोजेक्ट करते हैं. इससे रिलेटेड आपको एक टास्क दे रहा हूँ इस वीक के वाले से, सो दैट आप लोग एक तो ये कि आप लोगों ने कोई भी माइक्रो रे डेटा सेट ढूंढना है, डाउनलोड करना है. अगर वो CSV फॉर्मेट में है तो उसे RF file में कन्वर्ट करना है, ठीक है. और कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसे वेका में रन करना है. अच्छा इसमें कन्वर्जन जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने CSV फाइल को रीड करना है और उसको RF file में कन्वर्ट करना है. पाइथन में इसके बहुत सारी हेल्प मौजूद है, कोड मौजूद हैं एंड लाइब्रेरीज मौजूद हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील. तो आप खुद से भी अगर लिखना चाहें कोड तो लिख सकते हैं. जस्ट CSV फाइल को मैं एक लेआउट बता देता हूँ कि आप एक कोड लिखेंगे जिसमें आप CSV फाइल को रीड कर रहे हैं, उसकी फर्स्ट लाइन पे आप इंसर्ट कर रहे हैं एक नंबर ऑफ फीचर्स जो आप उसमें हैं,
ठीक है, नंबर ऑफ फीचर्स आपको जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे वहाँ से आपको पता लग जाएंगे। आपने फर्स्ट लाइन में अगर सी एस वी फॉर्मेट में ही आपने करना है, सी एस वी की फर्स्ट लाइन में आपने नंबर ऑफ फीचर्स और नेम या नेम ऑफ फीचर्स आप कर सकते हैं। अगर नेम ऑफ फीचर्स में आप सिंपल F1 to F5 50,000 या 20,000 जो भी है वो जस्ट एक सिंपल लूप लगा के वो आप जनरेट कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। और वो फर्स्ट लाइन में सी एस वी के जनरेट करें, उसको बेशक बैकअप में जाके आर एफ में कन्वर्ट कर लें, या आर एफ फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आप खुद से भी कर सकते हैं वो नंबर ऑफ फीचर्स को लूप के थ्रू और उनकी डेटा टाइप्स को जो फाइल की टॉप पे आप प्रिंट करवा दें और वो आपका प्रिंट हो गया, आप डॉट आर एफ फाइल की एक्सटेंशन में सेव कर लेगा। सो दैट्स हाउ यू कैन डू दैट। So you can imagine that. So I would like to see के कोई इसमें effort करे और ये करके दिखाए तो I will give him some extra credit as well. So yeah, और yeah I guess हम यहाँ तक finish करते हैं। अगर किसी के बारे में किसी को सवाल है किसी के दिन में तो please feel free to ask.